है, एगो स्पंज का बॉल है और एगो रबड़ का बॉल है, मतलब टेनिस बॉल है। हम क्रिकेट का बॉल तो मिला नहीं, कॉर्केट बॉल समझता है ना, सीजन बॉल, वो तो बहुत भारी होता है, मिला नहीं हमको, तो यही स्पंज बॉल से काम चला लेते। हम दोनों बॉल देते हैं तुमको कैच, ठीक है? नॉर्मल जैसे कैच पकड़ता है वैसे कैच पकड़ना है। पकड़ो, पकड़ा, लाओ फेंको वापस, ये पकड़ो, लाओ फिर से ट्राई करो, पकड़ा, ठीक है लाओ, दो, पकड़ लिया। अब बताओ ये स्पंज वाला बॉल तुमको पकड़ने में ज़्यादा आसान रहा, ये टेनिस बॉल पकड़ने में ज़्यादा आसान लगा? दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे बताओ किस में ज़्यादा फोर्स लगा पकड़ने में, दम किस में लगा ज़्यादा? टेनिस बॉल में ज़्यादा दम लगा तुमको पकड़ने में, है ना? ठीक है, अभी देखो इसमें दम क्यों लगा ज़्यादा पकड़ने में? क्यों? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है ना, जिस चीज़ जो चीज़ ज़्यादा भारी, इसके जगह हम तुमको बड़का क्रिकेट बॉल देते, लाल वाला सीजन क्रिकेट बॉल जो होता है उसको फेंकते, तो उसको पकड़ने में और दम लगता, चोट भी लगता हाथ में, है ना, चोट भी लगता हाथ में, तो इसका मतलब मास ज़्यादा था तो तुमको फोर्स ज़्यादा लगा, बल ज़्यादा लगा, जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उसको पकड़ने में बल ज़्यादा लगा, लगा ना? अब आ जाओ, आओ तुम आओ, अब ये स्पंज बॉल को हटा देते हैं, ठीक है? अब टेनिस बॉल से ही खेलेंगे, क्रिकेट तो खेल लेते हैं ना अच्छा से। कैच पकड़ना, ठीक है? एक बार हम देंगे धीरे से, एक बार देंगे फास्ट, ठीक है? ये लो धीरे से पकड़ लिया, अब पकड़ो, ये वाला क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ो, पकड़ा, लाओ। अब बताओ कौन सा पकड़ने में आसानी लगा, जब धीरे से दिए तब या जब फास्ट दिए? जब धीरे से दिए तब आसानी से कैच ले लिया, लेकिन यही चीज जब हम, बॉल तो वही है, मास उतना ही है, वजन उतना ही है, लेकिन इसका वेलोसिटी बढ़ा दिए, इसका देखो वेलोसिटी बढ़ा दिए, तो इसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? इसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार कैच भी मिस कर रहा है, कर रहा है ना, आया समझ में? कई बार कैच भी मिस कर दे रहा है, लाओ, यही कारण है, आया समझ में? कि मास तो, मास मास तो अफेक्ट कर रहा है, मतलब इसका वजन जो है ये तो अफेक्ट कर रहा है बॉल को पकड़ने में, साथ ही साथ अगर हम इसका वेलोसिटी, जिसको स्पीड बोल लो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब किसी एक डायरेक्शन में किसी चीज को फेंका जाए, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, तो इसका वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो कैच पकड़ने में दिक्कत होता है, आया समझ में? और इसी का अगर हम वेलोसिटी कम कर दें, ऐसे करके दें, तो कोई कैच छोड़ेगा भला? कोई नहीं छोड़ेगा, आया समझ में? अब तुम लोग बाउंड्री पर है और कोई छक्का मारा कस के एकदम, ठीक है? अब उस बॉल को पकड़ना ज़्यादा कठिन होगा, अगर कोई बॉल ऐसे हल्का सा बैट से लग के ऐसे आ जाए उसको पकड़ना ज़्यादा आसान होगा, आया समझ में? कीपर जो है, कीपर के पास बॉल आसानी से ऐसे आए पकड़ लेगा आराम से, यही बॉल छक्का के लिए जा रहा हो और बाउंड्री पे कैच लेना हो कितना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उस समय वेलोसिटी बढ़ जाता है, आया समझ में? वहाँ बैट रखा है, बैट क्या फट्टा रखा है, ले लो। बैटिंग कोई अच्छा करता है? जो करता है, अरे आओ, शर्म का क्या बात है, आओ आओ क्रिकेट खेलो, अरे आ जाओ। हम दो बॉल डालेंगे, ठीक है? एक स्पिन डालेंगे, कुछ नहीं करना, छक्का चौका नहीं मारना, रोकना है, रोकने तो जानता है ना, खाली तुमको ऐसे रोकना है, बॉल को बचाना है, विकेट को, तुम समझ लो तुमने पीछे विकेट है उसको बचाना है कि आउट नहीं होना है, ठीक है? लास्ट बॉल है, बचाना है। दो बॉल करेंगे, एक स्पिन करेंगे एक फास्ट करेंगे, ठीक है? ये लो, छक्का नहीं मारना है, लाओ दो, खाली रोकना है, आओ कोई और आओ, दूसरा आदमी। क्रिकेट तो खेल लो, खिला रहे हैं, खाली रोकना है, ठीक है? ये रोक लिया, ठीक है? ये स्पिन बॉल था, ये लो। अब बताओ तुम दोनों बॉल को टच किया, उतना ही फोर्स लगाया दोनों में? दोनों बॉल को, इसको भी उतना ही फोर्स लगाया और फास्ट बॉल फेंके उसमें भी उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन कौन सा बॉल ज्यादा तेजी से आया मेरी तरफ? फास्ट वाला। इसीलिए फास्ट गेंद में छक्का मारना ज्यादा आसानी होता है, स्पिन में क्या होता है, छक्का मारो गलती से कैच उठ गया आउट, है ना? स्पिन में सबसे ज्यादा कैच होता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें आगे का बॉल का वेलोसिटी कम है, तुम बैट पे फोर्स लगाया, अगर कम फोर्स लगा तो बॉल कैच उठ जाएगा, लेकिन अगर कोई फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉल कर रहा है, ठीक है, तो उस बॉल में, बॉल तो वही है दोनों में, लेकिन बॉल का वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। जब बॉल का वेलोसिटी बढ़ गया तो बैट को सिर्फ टच भी करेगा ना तो हो सकता है वो चौका या छक्का चला जाए, सिर्फ टच करना है, फोर्स कम लगेगा,
क्योंकि वेलोसिटी से आ रहा है बॉल, सिर्फ हमको उसको एक डायरेक्शन देना है। देखता होगा ना क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है, पीछे साइड ऐसे करके डायरेक्शन दे देता है सिर्फ बैट्समैन, देखा है ना कि सिर्फ फास्ट बॉलिंग है ऐसे करके डायरेक्शन दे दिया, सीधे चौका छक्का, आया समझ में। और कोई स्पिन बॉल करता है तो उसमें उसको बेचारे को बहुत दम लगाना पड़ता है छक्का बाउंड्री पहुंचाने के लिए, आया समझ में। तो दो बात क्लियर हुआ कि फोर्स अगर इसका मास ज्यादा है, बॉल का मास ज्यादा है, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है। और बॉल का वेलोसिटी ज्यादा है तो भी हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बॉल को कैच करने के लिए या बॉल को खेलने के लिए, आया समझ में। तो फोर्स जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। देखो तो मोमेंटम तो देख लिया टेनिस बॉल के एक्सपेरिमेंट से, अब ये देखो टेनिस बॉल तो देखा तुम लोग, कैसे क्या देखा उसमें कि फोर्स अगर हम बढ़ा देते हैं, फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो सॉरी फोर्स बोल रहे हैं, मास को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा फोर्स भी क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। और वेलोसिटी जो था उसको बढ़ा रहे थे तो भी हमारा बॉल बल फोर्स बढ़ रहा था, यही चीज देखा अभी टेनिस बॉल का एक्सपेरिमेंट जो किए दो तीन को, उसमें क्या देखा कि मास अगर बढ़ता है तो फोर्स बल भी बढ़ता है ना, और मास अगर कम वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, ठीक है। अगर हल्का चीज होगा तो वो कम बल लगाएगा दूसरे चीजों पे, कोई चीज हल्का है तो वो कम फोर्स लगाएगा, है ना, और कोई चीज भारी है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये चीज क्लियर हुआ। कोई चीज अगर तेज गति से जा रहा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, और कोई चीज कम गति से जा रहा है तो वो कम फोर्स लगाएगा, क्लियर है, आया समझ में, यही बात क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो एक, तुम आओ यहाँ आयुष, यहाँ खड़ा हो, पीछे साइड बैक कर, बैक कर, ठीक है, यहाँ अभी ये खड़ा है, ठीक है, हम इसको नॉर्मल, अभी इसको नहीं पता है, हम अचानक से आए, आओ यहाँ, ये है, हम अचानक से इसको ऐसे धक्का दिए, इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन हम दौड़ते हुए आए और ऐसे करके धक्का दिए तो ये हो सकता है थोड़ा आगे चला जाए, ठीक है, बैठो जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ जाता है, उतना ही भारी चीज अगर तेजी से किसी को मारा जाए तो ज्यादा जोर से चोट लगेगा, और उतना ही भारी चीज अगर तेजी धीरे से किसी को मारा जाए तो कम चोट लगेगा। तो मतलब दो बात तो क्लियर हो गया, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब फोर्स जो है हम कह सकते हैं फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, है ना, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा संबंध, अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ा, घटा तो ये भी घटा, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, क्लियर है। तो अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बन के आता है, एक चीज आता है हमारे सामने, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम जिसको संवेग कहते हैं, ये भी एक तरह का बल ही है, फोर्स ही है, ठीक है, एक तरह का फोर्स ही है, बल ही है। इसको एक साइन से दिखाते हैं, स्मॉल पी से, ठीक है, स्मॉल पी से मोमेंटम को दिखाते हैं, ध्यान देखना, ध्यान देना बिल्कुल, स्मॉल पी से दिखाते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का बल ही है, लेकिन ये जो होता है ये पूरा पूरा निर्भर करता है मास और वेलोसिटी पे, ठीक है, मास और वेलोसिटी पे निर्भर करता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला भी यही हो जाता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, क्लियर हुआ। मोमेंटम क्या, एक तरह का बल ही है, ठीक है, जितना अभी हम प्रैक्टिकल किए मोमेंटम का प्रैक्टिकल किए। एक बात बताओ, फास्ट बॉलर जो होता है वो दूर से रन अप लेता है, लेता है ना, उसको जब दौड़ता है तो वो थोड़ा दूर से दौड़ता है ना, ऐसा संभव है। एक बात बताओ, ये बॉल है मेरे पास, ये बॉल है मेरे पास, हम बोले कि बिना हाथ मोड़े, ठीक है, बिना हाथ पीछे किए, है ना, या बिना उंगलियों को पीछे किए हुए ये बॉल को हम कितना दूर फेंक सकते हैं, कितना दूर फेंक सकते हैं बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना बल लगा देंगे, इतना, इससे ज़्यादा दूर फेंक पाएंगे, नहीं फेंक पाएंगे ना, कोई फेंक सकता है इससे ज़्यादा दूर बिना हाथ पीछे किए हुए, तो बताओ संभव है कि हम बोले कि हाथ वाथ कुछ नहीं पीछे करना है, सिर्फ यहीं से फोर्स लगाना है, जितना फोर्स लगाना है तुम यहीं से लगा दो, ये देखो फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए, बहुत कम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी बॉल को क्या करें कि थोड़ा बैक साइड कर लें, मतलब इसी बॉल को थोड़ा ऐसे हाथ करें,
और ऐसे हाथ करें और फेंके, ज़्यादा दूर गया। तो इसका मतलब जो फास्ट बॉलर पीछे से दौड़ना स्टार्ट करता है, वो दिखाने के लिए नहीं दौड़ता है, वो क्या गेन करता है, मोमेंटम गेन करता है, वेलोसिटी गेन करता है। वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम, तो वेलोसिटी गेन करता है, तो वेलोसिटी की वजह से उसका क्या बढ़ जाता है, मोमेंटम बढ़ जाता है। और अगर मोमेंटम बढ़ जाएगा तो वो बॉल को ज़्यादा तेज़ी से फेंक पाएगा ना। स्पिन बॉलर जो है उसको फेंकने में ज़्यादा दम लगता है, स्पिन बॉलर जो है उसको बॉल फेंकने में ज़्यादा फोर्स लगता है, जबकि फास्ट बॉलर जो है वो क्या है, उसका वेलोसिटी इतना गेन कर लेता है कि वो हल्का सा भी हाथ घुमा के फेंकेगा ना तो बॉल बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। क्लियर है? हल्का सा भी हाथ घुमाएगा और ऐसे छोड़ देगा बॉल को तो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। लेकिन स्पिन बॉलर जो है उसको थोड़े से रनअप में ही अपने मोमेंटम को गेन करना पड़ता है ना। इसीलिए फास्ट बॉलर का स्पीड लगभग 150 तक का स्पीड चला जाता है, 135, 140, 50 तक का स्पीड। स्पिन बॉलर का कितना होता है, 100, 110 बस, है ना, यही सब। तो यहाँ पे सारा खेल मोमेंटम का है। क्लियर आया, बात आया समझ में कि मोमेंटम क्या होता है, कोई दिक्कत? तो ये था मोमेंटम, ठीक है, इसको उतार लो। अब यहाँ तक अगर मोमेंटम समझ में आया है तो हमको ये बताओ मोमेंटम का जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी जो होगा ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? मोमेंटम का जो क्वांटिटी होगा वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? मोमेंटम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी होता है? वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है तो वेक्टर हुआ ना, इतना सोचने का क्या जरूरत है। वेलोसिटी में, वेलोसिटी किसी चीज़ का स्पीड, और वेलोसिटी हम फिर से रिवाइज करा देते हैं, स्पीड क्या बोलते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। लेकिन अगर हम लिखें वेलोसिटी तो हम लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होना अनिवार्य है। अगर किसी चीज़ में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, तो वो क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमको जरा इसका फॉर्मूला, इसका हमको SI यूनिट निकाल के बताओ, तो देखते हैं कौन निकाल के बताता है। निकालो SI यूनिट, मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा, बोलो। मास का SI यूनिट किलोग्राम इंटू वेलोसिटी का SI यूनिट, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का SI यूनिट क्या हो जाएगा, kg डॉट मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मोमेंटम का SI यूनिट। अब बताओ यही चीज़ रटता तो समझ में आता, हम इसलिए समझाए थे ना बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। उतारो इसको, लिखो क्वांटिटी, लिखो यूनिट, लिखो क्वांटिटी एंड यूनिट्स। देखो मोमेंटम, अगर हम बोले क्या किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है, बताओ हो सकता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है या नहीं, संभव है या नहीं, सोचो दिमाग लगाओ। हो सकता है, कैसे हो सकता है, हाँ, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुना में है, इसमें से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो होगा तो ज़ीरो के साथ किसी को भी गुना कर दें तो वो तो ज़ीरो ही होगा। यदि कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो ही होगा, और कोई बॉडी चाहे कितना भी धीरे चल रहा हो, चाहे चींटी ही हो, कितना धीरे चलती है ना, चींटी हो कितना धीरे चलती है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो 100% उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्लियर है? चाहे वो चीज़ कितना ही धीरे मूव कर रहा हो, कितना ही धीरे, लेकिन उसका मोमेंटम होगा। क्लियर है? तो मोमेंटम सीधे सीधे मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। अगर किसी चीज़ का मास ज़ीरो हो, जो कि संभव है, मास किसी चीज़ का, अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसका मास तो होगा ही ना कुछ तो मास होगा, है ना। अगर मान लो ऐसा कि कोई मास ना हो, ज़ीरो मास हो, तो फिर मोमेंटम ज़ीरो होगा, लेकिन मैटर का कुछ ना कुछ तो मास होता है, इसीलिए अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम ज़ीरो होगा। क्लियर?
अगर कोई बॉडी कितना ही धीरे चल रहा हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होगा ही होगा। क्लियर है? तो मोमेंटम जीरो भी हो सकता है और मोमेंटम कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं होता है, लेकिन ऐसे कम हो सकता है, ठीक है, जीरो से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। क्लियर हुआ? समझ में आया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसको लिख लो।